इसराइल हमास के बीच जंग, इसराइल के दक्षिणी बॉर्डर से सामने आई नई तस्वीरें, गाजा सीमा पर दिखी बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें। हमास पर हमलों के बीच जुबानी जंग तेज, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फिर दी चेतावनी, बोले हमास को कुचल देने का वक्त आ गया है। इसराइल हमास युद्ध के बीच ईरान की चेतावनी का असर, बमबारी कर सकता है इसराइल, जमीन पर आया तो निगल लिया जाएगा। हमास की तरफ से ईरान ने रखी शर्त, कहा अपने जेलों में बंद है 6,000 फिलिस्तीनियों को छोड़े इसराइल। गाजा पर हमलों के खिलाफ गुस्सा, न्यूयॉर्क में प्रदर्शन, हमला रोकने की उठाई गई मांग। ईरान समर्थित आतंकी संगठन IRGS के खिलाफ अमेरिका ने की एयर स्ट्राइक, अमेरिकी सेना के दो ठिकानों पर बरसाए गए बम। अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और उसके सहयोगी ग्रुप के ठिकानों को किया ध्वस्त। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बयान, आत्मरक्षा के लिए किए गए हमले। अमेरिका ने कहा इराक और सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी संगठनों ने कई अमेरिकियों को बनाया निशाना, 17 अक्टूबर के बाद हुए हमले। इसराइल हमास की जंग को लगातार ईरान अमेरिका को दे रहा है धमकी, युद्ध के दायरे को न बढ़ाने की दी चेतावनी। इसराइली डिफेंस फोर्सेज का दावा, हमास ने 224 लोगों को बना रखा है बंधक। तेल अवीव में सड़क पर आए बंधकों के परिजन, रिहाई के लिए लगातार जारी है प्रदर्शन। मैड्रिड में इसराइली राजदूत के साथ मीडिया के सामने आए हमास के बंधक बने परिवार के सदस्य, बेटी की आंख में छलके आंसू। कैलिफोर्निया में भी 3 बहनों ने बताई अपनी आप बीती, बोलते बोलते आंखें हुई नम, गाजा में फंसा परिवार। पीएम मोदी ने किया भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन, कार्यक्रम में पीएम ने कहा 6G में भारत करेगा दुनिया का नेतृत्व। पीएम मोदी ने विपक्ष पर सारा निशाना, कहा 10 से 12 साल पहले सरकार हो जाती हैंग, 2014 में जनता ने आउटडेटेड फोन बदल दिया। चाहे जितने भी बटन दबा ले असर कुछ होता ही नहीं था, और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। भारत मंडपम में लगी प्रदर्शनी में पहुंचे पीएम, मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी नई तकनीक की जानकारी देते हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी ने कहा प्रदर्शनी में लिखी फ्यूचर की झलक, युवा पीढ़ी करेगी भविष्य का नेतृत्व। दिल्ली में फिर बदला मौसम का मिजाज, प्रदूषण में इजाफा, सांस लेना दूभर। दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 300 के पार, कई बंदिशें लागू। दिल्ली में डेंगू के बढ़ रहे मामले, 5,000 से ज्यादा लोगों को डेंगू, अस्पतालों में भीड़। डेंगू से निपटने के लिए MCD ने कसी कमर, कई इलाकों में खास टीमें तैनात। दिल्ली में पराली के प्रदूषण से निपटने की दिशा में पहल, पराली से बन रहे जैविक उत्पाद। जम्मू कश्मीर में आतंक पर करारा प्रहार, कुपवाड़ा एनकाउंटर में लश्कर के 5 आतंकी ढेर, जारी है सर्च ऑपरेशन। सहारनपुर में मोहन भागवत ने सरसावा में श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर का किया भूमि पूजन, मंदिर की आधारशिला स्थल पर कुदाल से जमीन खोदकर किया उद्घाटन। अगरतला में सीएम मानिक साहा ने देवी दुर्गा इमर्शन के कार्निवल में लिया हिस्सा, लोगों को किया संबोधन। सुपौल में लंबी दूरी की ट्रेन की मांग को लेकर 30 सामाजिक संगठनों ने निकाला विशाल जुलूस। गाजीपुर गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराए गए मुख्तार अंसारी पर आज सुनाया जाएगा फैसला। गोंडा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का टाउन हॉल में समापन, स्कूली लड़कियों ने लगाए मोदी के नारे। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के अनुसूचित वर्ग को जोड़ने की कवायद शुरू, कानपुर में अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय सम्मेलन में सीएम योगी 28 अक्टूबर को करेंगे रैली। दिल्ली सरकार ने की रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की शुरुआत, आपके कार्यकर्ताओं ने की लोगों को से सिग्नल रेड होने पर गाड़ी ऑफ करने की अपील। प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग का कारण बताओ नोटिस, पीएम मोदी पर किया था कमेंट। मराठा आरक्षण को लेकर नाना पटोले का सीएम शिंदे पर तंज, सीएम शिंदे को मराठा आरक्षण से ज्यादा कुर्सी की चिंता। हरियाणा के गोहाना में भ्रूण जांच करने वाले सेंटर संचालक सहित 3 लोग 3 महीने पहले महिला के गर्भ की जांच बताई थी लड़की। यूपी के बांदा में चाय न मिलने से नाराज बुजुर्ग ने की आत्महत्या, बहू से झगड़े के बाद पेट्रोल डालकर खुद पर लगाई आग। सवाई माधोपुर में बिजली विभाग का लाइनमैन रिश्वत लेते गिरफ्तार, 9,000 रुपए रंगदारी लेते रंगे हाथ दबोचा गया। मुजफ्फरपुर में शराब पीकर दशहरा मेले में घूमना पड़ा महंगा, उत्पाद विभाग की स्पेशल टीम ने कई को किया गिरफ्तार। देवरिया में राज के बाद गृह से किशोर फरार, प्रशासन ने मची खलबली। मेक्सिको में हरिकेन ओटिस ने मचाई तबाही, 27 की मौत, कई इमारतों को नुकसान। तूफान के दौरान 265 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, मेक्सिको सरकार ने कहा अब तक आए सबसे शक्तिशाली तूफान में से एक है ओटिस। तूफान की वजह से अल्लाह
पुलकों में भारी तबाही, मलबा ढेर बना 9 लाख की आबादी वाला शहर। डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क की अदालत ने $10,000 का लगाया जुर्माना। सिविल फ्रॉड मामले में ट्रंप पर दूसरी बार चुप रहने के आदेश के उल्लंघन का जुर्माना।